नमस्कार, आप सभी का ईट राइट एंड हेल्दी विद शिरीष गढ़े चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको मशरूम सूप कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाले हैं। उसके लिए मैंने मशरूम्स को लेंथ वाइज कट कर लिया है, यूं इस तरह। फिर एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, फिर चार लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया। फिर उसके साथ हमने ये काली मिर्च की पाउडर ली है और ये यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें हम पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे पतला सा। अब इस इधर मैं ये ले रहा हूँ 1 टीस्पून बटर। और इस बटर में हम डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन। और इसे हम सॉटे कर लेंगे। देखिए ये प्याज अभी हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। इसको ज्यादा भुनना नहीं है। अब तुरंत हम इसमें ये मशरूम जो कटे हुए हैं इसे हम डाल लेंगे। ये हमने कुछ 9-10 ये लिए हैं मशरूम और उनको ऐसे लेंथ वाइज कट कर लिया है और इसे ये पानी छोड़ता है, इसलिए इसको यूं जल्दी जल्दी पका लेंगे। ये 5-10 मिनट में पक जाता है। तो ये देखिए, ये हमको मशरूम को पकाते 2 मिनट हो गया है। तो ये देखिए 2 मिनट में मशरूम कितना पानी छोड़ रहा है। तो और एक 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो ये अपने मशरूम पक गए हैं। अब इसमें हम ये 3 कप पानी डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये 1/4 चम्मच काली मिर्च की पाउडर डालेंगे, फिर स्वादानुसार नमक, और ये स्लरी नहीं, ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का पानी बनाया है ये देखिए कितना पतला है, ये सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। और फिर ये जैसे जैसे पकेगा ये एक सूप गाढ़ा होता जाएगा। इसको हमने 1-2 बॉयल आ दिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये इतनी ही रखनी चाहिए। अब हम इसमें ये कटा हुआ बारीक धनिया इसे डाल देंगे और इसे गैस लो करके अब ये अपना मशरूम सूप एकदम रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा भी पसंद आ रही है आज की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक बटन पे क्लिक करिए और ये रेसिपी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो ये अपना मशरूम सूप एकदम रेडी है। अरे ये एकदम हेल्दी है। करके देखिए। थैंक यू।